दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में कौन क्या है। तो ये जो लेटेस्ट है आपके अभी वर्तमान में जितने भी जो है संस्थाएं हैं, प्रमुख संस्थाएं, उनके प्रमुख कौन हैं, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं, प्रधानमंत्री कौन हैं, पहले राष्ट्रपति कौन थे, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, इन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो मैंने पॉइंट वाइज यहाँ पर आप लोग को बताया है, करीब 54 या आई थिंक 53-54 पॉइंट हैं। तो आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और 2-4 दिन बाद हम लोग जो है इसमें MCQs सॉल्व करेंगे। तो ये पहली वीडियो है हमारी, और लगातार जो संस्थाएँ हमारी इसमें छूट जाएंगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में देखने को मिल जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला पॉइंट हम अपना आज का इसमें से देखेंगे। पहला पॉइंट है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। सभी को पता है श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं, वर्तमान में 14वें राष्ट्रपति हैं, ये ध्यान रखिएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति की अगर बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और ये देश के पहले राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए थे, ठीक है। तो ये चीज़ भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। इनका जो कार्यकाल था वो 26 जनवरी 1950 से शुरू हुआ था, और 13 मई 1962 तक इनका कार्यकाल रहा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगर बात करें भारत की पहली महिला राष्ट्रपति की, तो प्रतिभा देवी पाटिल जो है भारत की 12वीं राष्ट्रपति और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में। तो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर से। इसके बाद हम लोग यहाँ पर से बात करेंगे, आठवां पॉइंट है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। तो श्री वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में। इसी तरीके से भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हो गए यहाँ पर। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति अगर आपसे पूछा जाएगा तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। याद रखिएगा कि ये भारत के व्यक्ति के रूप में जो है दूसरे राष्ट्रपति थे, तो आपको ये चीज़ भी पता होना चाहिए, ठीक है। राधाकृष्णन जो है वो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे, ध्यान रखिएगा। इनके जन्मदिन के अवसर पर 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ये सभी को पता होगा, क्योंकि हम लोग सभी लोग जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब 12वां पॉइंट देखते हैं, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है। तो राजनाथ सिंह भारत के वर्तमान गृह मंत्री हैं, और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो ध्यान रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। इसके बाद 14वां पॉइंट है हमारा कि भारत के विदेश मंत्री कौन है वर्तमान में पूछा जा रहा है। तो सुषमा स्वराज भारत की वर्तमान विदेश मंत्री हैं, और प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। इन्हीं के पास जो है विदेश मंत्रालय भी था जब ये प्रधानमंत्री थे, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसके बाद हमारे पास 16वां पॉइंट है, भारत के रेल मंत्री कौन है। तो पीयूष गोयल वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं। इसी तरीके से भारत के प्रथम रेल मंत्री अगर पूछा जाएगा तो जॉन मथाई जो है भारत के प्रथम रेल मंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। एक एक पॉइंट क्लियर रखिएगा, क्योंकि जब MCQs में हम लोग करेंगे तो देखते हैं कितने लोगों को कितने नंबर इसमें मिल पाते हैं। बिल्कुल सही करिएगा, 2-4 दिन बाद मैं टेस्ट लूँगा। इसके बाद 8वां देखिए, भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन है। तो वर्तमान खेल मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्लियर रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में अभी पूछा गया था जो है रेलवे वाले में। इसके बाद देखिए 19वां क्वेश्चन कि भारत की रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में। तो निर्मला सीतारमण भारत की वर्तमान रक्षा मंत्री हैं, याद रखिएगा। और पहले रक्षा मंत्री की अगर बात करें तो बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे, ओके। इसके बाद हमारे पास 21वां पॉइंट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो रंजन गोगोई जो है वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, 46वें मुख्य न्यायाधीश हैं ये भारत के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो HJ कनिया जो है वो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात हो रही है यहाँ पर, HJ कनिया वो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारे पास 23वां है कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है वर्तमान में। तो हरिवंश नारायण सिंह जो है राज्यसभा के उपसभापति हैं। राज्यसभा के सभापति कौन है अगर पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि वेंकैया नायडू राज्यसभा के सभापति हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं, पदेन सभापति, ठीक है। हरिवंश नारायण सिंह जो है उपसभापति हैं राज्यसभा के। राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है, तो गुलाम नबी आज़ाद जो है राज्यसभा के विपक्ष के नेता हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 25वां है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो ओम प्रकाश रावत भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ध्यान रखिएगा। और प्रथम चुनाव आयुक्त की अगर बात करें तो सुकुमार सेन जो है वो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। चलिए
इसके बाद 27वां पॉइंट है हमारा कि भारत के वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है। लोकसभा अध्यक्ष तो सुमित्रा महाजन वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। और अगर बात करें भारत की प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो है वो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, आपको पता होना चाहिए, अच्छे से याद कर लीजिए इसको भी। इसके बाद यहाँ पर से हम लोग बात करेंगे 29वें पॉइंट की कि भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव कौन है। तो भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव हैं प्रदीप कुमार सिन्हा। ध्यान रखिएगा, कैबिनेट सचिव अगर आपसे पूछा जाता है वर्तमान में तो प्रदीप कुमार सिन्हा जो है भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव हैं। इसी तरीके से 30वां पॉइंट है कि DRDO के वर्तमान चेयरमैन कौन है। तो जी सतीश रेड्डी DRDO के वर्तमान चेयरमैन हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं। और DRDO का जो मुख्यालय है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो नई दिल्ली में DRDO का मुख्यालय पड़ता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसके बाद 32वां पॉइंट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। अगर बात करें प्रथम महिला अध्यक्ष की तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जयंती पटनायक प्रथम अध्यक्ष थी राष्ट्रीय महिला आयोग की। इसके बाद 34 वाला है कि संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो अरविंद सक्सेना संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। याद रखिएगा, अगर स्पेशली आप किसी राज्य से फॉर्म भर रहे हैं, मान लीजिए आपने उत्तराखंड से भरा, राजस्थान से भरा, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है तो वहाँ पर अलग होगा। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का अलग होगा। ये संघ की बात हो रही है, जो कि केंद्र का होता है UPSC वाला, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो अरविंद सक्सेना संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। 35वां है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, रिजर्व बैंक के। तो उर्जित पटेल भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ध्यान रखिएगा। और अध्यक्ष बोलिए या फिर गवर्नर बोलिए, ठीक है, वर्तमान गवर्नर उर्जित पटेल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, इस चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। और RBI यानी कि रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो पड़ता है मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा, मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। और 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, वर्तमान गवर्नर उर्जित पटेल हैं। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो प्रसून जोशी जो है वो सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद SEBI के बारे में बात करते हैं, SEBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो अजय त्यागी जो है SEBI के वर्तमान अध्यक्ष हैं। SEBI की फुल फॉर्म सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो क्लियर रखिएगा इस चीज़ को, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। SEBI की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है। तो ये एग्जाम के लिहाज से ये 4 पॉइंट क्लियर हैं, इंपॉर्टेंट हैं, कि आपको याद होने चाहिए। इसके बाद 43 वाला है कि NIT यानी कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, NITI के, ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष यानी कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तो राजीव कुमार जो है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। अगर अध्यक्ष पूछा जाएगा तो नीति आयोग या फिर योजना आयोग पहले बोला जाता था, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो इसीलिए जो है नीति आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष पूछा जाता है एग्जाम में तो राजीव कुमार जो है नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। नीति यानी कि NITI का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा फुल फॉर्म। इसके बाद 45 वाला है भारतीय वायुसेना के चेयरमैन कौन है। तो भारतीय वायुसेना के चेयरमैन प्रमुख या अध्यक्ष कुछ भी बोलिए आप, बीरेंद्र सिंह धनोआ जो है वायुसेना प्रमुख हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से भारतीय वायुसेना का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा बीरेंद्र सिंह धनोआ आपको पता होना चाहिए, वायुसेना प्रमुख हैं। SBI के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो रजनीश कुमार SBI के वर्तमान चेयरमैन हैं, ये याद रखिएगा अच्छे से। इसके बाद 48 वाला है BSF के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो रजनीकांत मिश्रा BSF के वर्तमान महानिदेशक हैं। इससे पूर्व ये SSB में थे, SSB से जो है ये BSF में आ चुके हैं और इनको महानिदेशक बनाया गया है BSF का, ठीक है, SSB से BSF का, याद रखिएगा। इससे पूर्व BSF के महानिदेशक कौन है ये आपको पता होना चाहिए, तो KK शर्मा जो है BSF के महानिदेशक थे इससे पहले, और KK शर्मा रिटायर हो गए तो उसके जगह पर जो है रजनीकांत मिश्रा को BSF का महानिदेशक बनाया गया है। BSF का गठन 1 दिसंबर 1965 को हुआ था, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा आप लोग, क्लियरली याद होना चाहिए आपको।
बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक, सॉरी एसएसबी के वर्तमान महानिदेशक एसएस देसवाल है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और एसएसबी की स्थापना हुई थी 1963 में, तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अभी उत्तराखंड का एक एग्जाम हुआ था ग्रुप सी का, तो मेरे पास पेपर रखा हुआ है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि एसएसबी की स्थापना कब हुई थी, तो 1963 में हुई थी, और इसके वर्तमान महानिदेशक कौन है, एसएस देसवाल हैं, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इस सेगमेंट की लास्ट क्वेश्चन का, सीआरपीएफ के वर्तमान चेयरमैन कौन है, तो राजीव राय भटनागर सीआरपीएफ के वर्तमान चेयरमैन है। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रमुख संस्थाएं, कुछ प्रमुख व्यक्ति जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अगर आपको पसंद आई तो एक लाइक करिए और साथ ही साथ कमेंट करके मुझे बताइए। डेली के डेली मैं करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड करता हूं, तो कई क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो रेगुलर जो है हम करंट अफेयर्स में उनको कवर कर ही लेते हैं, जैसे एसएसबी के महानिदेशक कौन है, बीएसएफ के महानिदेशक कौन है, तो आप लोग डेली के डेली करंट अफेयर्स देखने की हैबिट डालिए, आपको निश्चित तौर पर वो जो है काफ़ी ज़्यादा मदद आपको मिलेगी उन सभी क्वेश्चन को जो मैं करवाता हूँ आपके लिए, तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको बताता हूँ, डिटेल पीडीएफ उपलब्ध कराता हूँ, तो आप लोग जो है देख के कई चीज़ें मतलब वहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है रेगुलर करंट अफेयर्स देखना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो। किसी तरह के कोई सजेशन होंगे कमेंट करके मुझे बताइए, तो धन्यवाद।